Hello, welcome back. You are watching a mathematics class on exercise 6, namely simplification. Okay, so this is my last part of this exercise. तो यहाँ पर हमने अभी दो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का 1 और 13 का 1. तो हम देखते हैं इसको कैसे किया जाए. आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो देखते हैं इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा. देखो 5/2 बन जाएगा माइनस इसका जो है वैसे का वैसे ही रह जाएगा डिवाइड, इसमें क्या हो जाएगा 7/2 7/4. अब आपको समझ में आ गया कि अब इसमें सबसे पहले हम किसको सवाल करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर हो, जो इनरमोस्ट ब्रैकेट में हो उसको हम सबसे पहले सवाल करेंगे. तो हम देखते हैं कि इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल करते हैं. तो देखो क्या आता है, 5/2 माइनस 13/4 ये डिवाइड है. अब आपने देखा कि इसके बीच में क्या माइनस है दोनों फ्रैक्शन के बीच में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे. जब हम एलसीएम करेंगे तो हमारा क्या आंसर आया, 4. तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 2 आता है. 2 ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया क्या आता है, 1 आता है. 1 7 से इनटू करेंगे तो क्या आ गया, 7 आ गया. क्लियर हुआ. अब आप देखोगे इसको अगर हम माइनस करते हैं 14 माइनस 7 तो हमारा क्या आएगा, देखो 7/4. मैंने ब्रैकेट भी तुरंत खोल दिया. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो डिवाइड, तो डिवाइड है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड को इनटू में चेंज कर देते हैं, जब क्योंकि ये फ्रैक्शन है. ओके, तो फ्रैक्शन में जब हम डिवाइड को इनटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4/7 बन जाएगा. अब आप देखोगे ये 4 4 क्या हो गया, कट गया. अब इसका जो आंसर आएगा और ब्रैकेट भी खुल जाएगा है ना. अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 14. तो मैंने यहाँ लिख दिया 14 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 आता है. 7 5 से क्या हो जाएगा, इनटू तो आ गया 35. फिर 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 13 से इनटू करेंगे तो क्या हो गया 36. माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/14. तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. तो कुछ नहीं करना, बस खाली आपको एलसीएम थोड़ा आना चाहिए. एलसीएम ऑलरेडी आपने क्लास 5 में कर चुके हो तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 का 1. तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना देते हैं. ये हो गया ऑफ हाफ प्लस 2 डिवाइड, सबसे बाहर में ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर में और एक ब्रैकेट आ गया, उसके अंदर में और एक ब्रैकेट आ गया. जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है ना उसको हम जब सवाल करेंगे एलसीएम करेंगे तो 5 आएगा. 2 मतलब 2/1 एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 5 आया. तो 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आते हैं. ऊपर में क्या हो जाएगा, इनटू 10 माइनस क्या हो जाएगा, 1. तो अब जब हम इसको सवाल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 क्या होगा, 9/5. तो जो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट था वो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगी. ओके, ओपन हो जाने के बाद अब देखो क्या होगा, 10/3 ऑफ हाफ प्लस 2 डिवाइड. अब ये जो ब्रैकेट खोला था अब इनके बीच में हम क्या करेंगे इसको हम एलसीएम करेंगे. तो एलसीएम करके देखते हैं कितना आता है, देखो 5 आता है. 5 आया तो नीचे के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, क्या बन जाएगा, 10 माइनस 9. अब आप देखोगे टेन माइनस जो नाइन है तो क्या हो जाएगा, 1/5 बन जाएगा. ओके, अब देखो तो क्या आया इसका, 2/5.
जब मैं इसको ब्रैकेट खोल दूं, देखो कोई फर्क पड़ने वाला अभी, देखो कुछ नहीं हुआ, मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया। अब ये जो डिवाइड है, डिवाइड को हम किस में चेंज करेंगे, इनटू में। जब ये डिवाइड को हम इनटू में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो फाइव बाई टू बन जाएगा। ओके, अब आपको साफ समझ में आ रहा है इसमें अभी क्या क्या बन गया, देखो ऑफ है, प्लस है, इनटू है। अब आपको सबसे पहले समझ में आ गया, पहले तो ब्रैकेट करना चाहिए था, तो ब्रैकेट का मैंने सारा सवाल कर दिया है। अब किसका होगा सवाल, ऑफ, तो ऑफ में देखो ये है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू करना। तो इसको हम इसको काटे तो क्या आ गया, देखो फाइव आ गया, तो मेरे कहने में फाइव ऑफ वन क्या आ गया, फाइव वन जा फाइव, थ्री ऑफ वन, थ्री वन जा थ्री, ओके, प्लस और टू इंटू फाइव बाई टू। अब क्या करेंगे, इनटू की बारी है, ये टू टू काट दो, तो क्या आंसर आ गया, देखो फाइव बाई थ्री प्लस क्या फाइव। ओके, जब आप इसको एलसीएम करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो कितना आ गया, ट्वेंटी अपॉन थर्ड। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर जो बनेगा सिक्स टू एंड थर्ड आंसर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमने किसमें चेंज किया, अभी मिक्स फ्रैक्शन में बना लिया, ये इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर तो मैंने किसमें बनाया, मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप समझ लीजिए कि जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर निकलता है तो वहां आंसर लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी राइट है, आइदर वाइज आइदर यू में चेंज फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हो। बट कुछ नहीं, बट जस्ट यू हैव टू यूज बॉडमास रूल, बॉडमास रूल समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से सारे सवाल कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बाय बाय।